I left sugar for 30 days and see what happened. How I broke my sugar addiction. Sugar is as addictive as cocaine. ऐसे बहुत सारे articles या videos आपने देखे होंगे. लेकिन क्या ये सच है या myths? इसके पीछे actual science क्या है? कभी सोचा है? आइए आज इसको detail में समझते हैं. Guys, my name is Pranav Deshpande. I'm a health coach at MyHealthBuddy. तो पहले ये देखते हैं कि शुगर सच में एडिक्टिव होती है कि नहीं. रिसर्च क्या कहता है? 2007 में शुगर पे एक स्टडी हुई थी. उसमें ये देखा गया कि शुगर या कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर लेने से हमारी ब्रेन में जो प्लेजर सेंटर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं. ये सेम सेंटर्स कोकेन लेने से भी एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से शुगर कैन बी एडिक्टिव. लेकिन द फनी पार्ट हियर वाज, ये सारी स्टडीज रैट्स पे हुई थी और आज तक ह्यूमंस पे एक भी स्टडी ये प्रूव नहीं करती कि शुगर कैन बी एडिक्टिव फॉर ह्यूमंस. और इस स्टडी में भी बहुत सारे इश्यूज थे जो साइंटिस्ट ने बाद में ढूंढ निकाले. जैसे कि फर्स्ट, रैट्स वेर स्टार्व फॉर डेज एंड देन शुगर वाज गिवन एज फूड. उनको बहुत दिनों के बाद कुछ खाना मिल रहा है तो वो ऑब्वियसली उस पर टूट पड़ेगी, क्योंकि उनको बहुत भूख लगी होती थी, जो बहुत ही नेचुरल. सेकेंड, जिन अमाउंट्स में रैट्स को शुगर दी जाती थी वो नॉर्मल ह्यूमन कंजम्पशन से 100 times ज्यादा थी. इतना ह्यूमंस कभी भी कंज्यूम नहीं करते. थर्ड, अगर किसी इंसान को स्वीट्स बहुत भी पसंद है तो भी वो एक लिमिट तक ही खा सकेगा. ऐसा तो नहीं होगा कि पेट भरने के बाद भी सेम प्लेजर लाने के लिए वो स्वीट्स खाता ही रहेगा. इवोल्यूशन के टाइम से ह्यूमंस स्वीट या शुगर को इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, हनी, कलेक्ट एंड स्टोर करके रखते थे कि आगे उस पर गौरश कर पाए फॉर क्विक एनर्जी. तो उसी टाइम से एक सेंस या इंस्टेंट बॉडी में स्टोर हो गई कि स्वीट या कोई भी शुगरी फूड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. तो आज भी जो प्लेजर मिलता है ना वो स्वीट खाने से मिलता है. सो स्वीट्स आर प्लेजर गिविंग फूड्स, बट प्लेजर डजंट मीन एडिक्शन. मेनी थिंग्स इन दिस वर्ल्ड कैन गिव प्लेजर बट आर सर्टेनली नॉट एडिक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, मीटिंग योर लव्ड वंस, डांस, म्यूजिक, एटसेट्रा. व्हेनेवर यू ईट और डू समथिंग व्हिच गिव्स यू प्लेजर, देन द ब्रेन सीक्रेट्स डोपामिन, जिससे आपको अच्छा लगता है. ठीक है, ये कुछ सेकंड्स के लिए या मिनट्स के लिए होता है, उसके बाद वो ड्रॉप होने लगता है. Which is unlike addiction. Now, addiction is a very serious psychological condition, जिसको pleasure के साथ compare भी नहीं कर सकते. Let's take an example. आपने कभी सुना है क्या कि दिवाली में 50,000 लोगों को रिहैब सेंटर में डाला और रस्सी से बांध के रखा क्योंकि उन्होंने दिवाली में बहुत सारे स्वीट्स खा लिए थे? सुनने में भी फनी लगता है, राइट? स्वीट्स खाने के बाद विड्रॉल सिम्टम्स भी नहीं आते जैसे ड्रग अब्यूज के बाद आते हैं. ड्रग क्रेविंग में और शुगर क्रेविंग में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है. तो साइंटिस्ट ने ये देखा कि ड्रग्स लेने के बाद बॉडी में कुछ बायोकेमिकल सीक्रेट होते हैं जिनकी वजह से जो क्रेविंग्स होते हैं ना उनको बॉडी रेजिस्ट ही नहीं कर पाते और उस पर डिपेंड करने लगते. उसमें दो फैक्टर्स आ जाते हैं. फर्स्ट इज टॉलरेंस. तो जब आप ड्रग लेना स्टार्ट करते हो कुछ टाइम के बाद ज्यादा अमाउंट में आपको सेम ड्रग को लेना पड़ता है उसी सेम इफेक्ट को महसूस करने के लिए और उससे आप यूज्ड टू होते चले जाते. ऐसा शुगर या फूड के साथ कभी भी नहीं होता. आपने कभी सुना है किसी बंदे को 2 या 3 गुलाब जाम खाना पसंद, अब 1 महीने के बाद उसी सेम प्लेजर को फील करने के लिए उसको अभी 50 गुलाब जाम खाने पड़ रहे हैं. सेकेंड इज विड्रॉल. विड्रॉल के भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जैसे कि बॉडी एक्स, चिल्स, वॉमिटिंग, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एटसेट्रा. आपने कभी सुना है क्या कि शुगर ना मिलने की वजह से किसी को ऐसा हुआ है? तो शुगर इज एडिक्टिव, शुगर इज बैड, इज जस्ट बम्बार्डेड बाय द सोशल मीडिया एंड पीपल हु डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट जस्ट बिकॉज की टॉपिक ट्रेंडिंग. And this is the reason people are misled. अगर आप रोज 1-2 कप चाय पी रहे हो और उसमें 1 or 2 स्पून शुगर डाल रहे हो या 1-2 पीस चॉकलेट का खा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि अब उससे एडिक्ट हो गए. लिटिल शुगर इज ओके. हमेशा याद रखना मॉडरेशन इज द की. तो उससे ही जिंदगी जीना कहते हैं. लेकिन ऑन द अदर हैंड, फूड्स हैविंग अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर, फैट्स, सॉल्ट, टेक्सचर, कलर एंड स्मेल आर वेरी मच पैलेटेबल और उसकी आदत पड़ सकती है. लेकिन नेवर गेट कंफ्यूज बिटवीन हैबिट एंड एडिक्शन. दीज टू आर वेरी डिफरेंट. सो अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज लाइक एंड कमेंट बिलो योर व्यूज ऑन इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर रिसर्च बेस्ड साइंटिफिक एंड इंटरेस्टिंग वीडियोज.